जैतून एकेडमी ने किया 3 महीने का कोर्स स्टार्ट और नाम दिया अमेजिंग कुरान एंड हदीस। मकासद कुछ यूं बताए गए कि करना चाहते हैं इस नस्ल को इस्लाम से करीब खड़ी करने की चाहत में एक ऐसी इमारत इस उम्मत की जो चमकता हुआ नगीना हो शऊर से भी और रूह से भी। खुश बच्चे की नहीं मिल रहा है उन्हें होमवर्क बेशुमार और ना ही जवाब ना देने से की जा रही है उनकी इज्जत नफ्स तार तार। मुझे क्लास में तो मजा था, मुझे होमवर्क भी नहीं मिलता है। बेहद कलरफुल स्लाइड्स कराती हैं सैर उन्हें कुरान और हदीस की दुनिया की, ले जाती हैं कहानियाँ उन्हें माजी उरूज में इस्लाम की जिससे राब्ता कर दिया है तालीमी निज़ाम ने चूर चूर। बच्चों की राय आई है कि किया जाए इस कोर्स को दोबारा रिपीट, कहते हैं करना चाहते हैं वो भी अब अल्लाह से दोस्ती। ये भी सुनने में आ रहा है कि इस तरीके से कुरान से उनकी पहचान किसी ने कभी कराई नहीं। पहले जब कोई कुरान पढ़ने को कहता था तो लगता था उफ ये क्या कह दिया, लेकिन जब से कुरान और हदीस का सेशन स्टार्ट हुआ है तब से खुद कुरान खोलने का मन चाहता है। जैतूना एकेडमी की तरबिया मूवमेंट के दौरान उनके मेंबरान का मौकिफ रहा नेचुरल लर्निंग, कहते हैं कि बच्चों को जब नहीं सिखाया जा रहा होता है तब वो सबसे अच्छा सीख रहे होते हैं। खेलना कूदना कहानियाँ सुनना और अपने ख्यालों के समंदर में गोते लगाना, ये नेचुरल लर्निंग का अहम जुज है। इससे बच्चों की तरह तरह की नीड्स पूरी होती हैं। भला कहानी सुने बगैर मिट्टी से खेले बगैर भी कोई बचपन होता है? बच्चों ने मूवमेंट के दौरान अपनी पार्टी बना ली है और आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं कि उनके माँ बाप और टीचर्स उन्हें बिजी रखने के लिए खुफिया मंसूबे बनाते देखे जा सकते हैं। स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से मौलाना साहब से थका देने वाला घंटों का होमवर्क और फिर से सुबह उठकर स्कूल जाने की फिक्र बच्चों के अंदर देखी जा सकती है। बच्चों ने किया आज धरना प्रदर्शन और अपने हक के लिए जद्दोजहद करते दिखे। उन्होंने डिमांड की कि मुआशरे में वालिदैन बच्चों को रोज खेलने की आजादी दें। तुम जैसे हो। जैतूना एकेडमी ने बच्चों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए उनकी भरपूर हिमायत की और कहा कि वालिदैन कम से कम 2 घंटे बच्चों को खेलने की आजादी दें और उन्हें अल्लाह की कुदरत के करीब रहने दें। वालदैन परेशान न हो कि धूप में खेलने से बच्चों का रंग काला हो जाएगा, या बर्फ में खेलेंगे तो उन्हें ठंड लग जाएगी, या कहानियां सुनेंगे तो होमवर्क कब करेंगे। काले रंग से ज्यादा इस बात की फिक्र करें कि दिल तो काले नहीं हो रहे, या रब्बे करीम ने जो उन्हें सोचने की आज़ाद बेलगाम उड़ान की कुव्वत अता की है कहीं उसके बर तो नहीं काटे जा रहे। बच्चे वो सीखते देखे जा सकते हैं जो उनके वालिदैन और उनके बड़े कर रहे हैं।
अल्लाह की मोहब्बत जबरी ढंग से पैदा करने की कोशिश पे वालिदैन जरा सोच विचार करें, क्योंकि जो नन्ही आंखें वालिदैन की आंखों को अल्लाह के खातिर नम होती देखती हैं, वो औलादें शायद ही अल्लाह से बेजार रह सकती हैं। बच्चे क्यों हो गए हैं मार्क्स के मोहताज? आजकल उनके रिपोर्ट कार्ड डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या है वो प्यार और इज्जत की हकदार। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे प्यार करते हैं ये नंबरों से, कोई भी खुश नहीं है। ऊंची उड़ाने सोच की जिसकी, मासूम जहन का मालिक जो, अपनी इजाद का खालिक जो, कासिम जो, इब्न सिना जो, चमकता हुआ नगीना जो, पाकीज़ा व इज़्ज़तदार जो, दीनदारी का असल नमूना जो, क्या चार दीवारी, चंद घंटे और महज कागज़ कर रहे हैं तय उनकी अक्लो कीमत को? अमेजिंग कुरान एंड हदीस कोर्स के चलते बच्चों के ऑनर में ऑर्गेनाइज किए एक प्रोग्राम में जैतूना एकेडमी का ऑफिस तुम जैसे हो बस मेरे हो तराने की आवाज़ों से गूंज उठा।